ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी प्री मैथमेटिक्स में टेंसर एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसके हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस, कौन कौन सी टाइप्स थी अपनी, डमी सफिक्स, रियल सफिक्स, और फिर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ टेंसर। और टाइप्स ऑफ टेंसर कितने टाइप्स के थे आपके? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर, कोवेरियंट टेंसर और मिक्सड टेंसर। और इसके बाद में हमने किसी भी टेंसर की रैंक किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो सीखा था। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंसर है आपका इनवेरिएंट टेंसर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द टेंसर विच हैव द सेम कंपोनेंट्स which have the same components in all the frame of reference is called invariant tensor। The tensor which have the same components in all the frame of reference is called invariant tensor। तो कोई भी टेंसर जिसकी वैल्यू हमेशा जिसके कंपोनेंट्स हैं वो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहे? सेम रहे। तो अगर कोई एक फ्रेम अपन ने x लिया है, दूसरा फ्रेम x डैश लिया है, तीसरा फ्रेम अगर हमने x डबल डैश लिया है, तो एक ऐसा जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा जिसके लिए सभी वैल्यू क्या हो आपकी हमेशा तीनों ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रहे? सेम रहे, या फिर ये बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहे? सेम रहे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट टेंसर। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा तो इनवेरिएंट टेंसर का मतलब क्या हो गया कि कोई भी टेंसर जिसके लिए कंपोनेंट्स जो वो हर एक फ्रेम में क्या रहे? सेम रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट टेंसर। फॉर एग्जांपल क्रोनिकल डेल्टा। और क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, और ये किस तरीके से डिफाइंड होता है? डेल्टा जे आई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 1 इफ आई इक्वल्स टू जे, और इसकी वैल्यू 0 इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आई और जे दोनों इंडेक्सेस आपस में सेम है तो वैल्यू कितनी लेनी है? 1। और आई और नो जे आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी लेनी है? 0। तो इसका मतलब आई और जे इक्वल है, इसका मतलब अगर जे की वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 1। आई की वैल्यू अगर 2 लें तो जे की भी कितनी लेनी है? 2। इसकी वैल्यू भी कितनी? 1। एंड अगर एन ले लें तो इसकी वैल्यू भी एन, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बाकी जितनी भी फॉर्म बनेगी जिनके लिए आई और जे की वैल्यू अगर ऊपर नीचे को वेरियंट और कॉन्ट्रा वेरियंट इंडेक्सेस अलग अलग आती है तो उसके लिए वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 होगी। अगर मान लो आई की वैल्यू हमने ले ली 1, जे की वैल्यू ले ली 2, तो आई इज नॉट इक्वल्स टू जे बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए आपकी इंडेक्स क्या बनेगी? आई की वैल्यू तो कितनी? 1, जे की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0 लेंगे। तो इस तरीके से क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज डेल्टा जे आई इक्वल्स टू 1 इफ आई इक्वल्स टू जे, और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। और डेल्टा 1 1 यानी कि सेम इंडेक्स, अगर कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट दोनों सेम रहेंगी तो उसकी वैल्यू 1, अदरवाइज उसकी वैल्यू आप क्या लेंगे? 0 लेंगे, जिसमें आई की वैल्यू जे के इक्वल ना हो। इसके बाद में नोट लगा करके लिखना है
इफ एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन आर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन देन डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा जे आई. अगर x1, x2, डॉट 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 xn क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, यानी किसी पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, क्रोनिकल डेल्टा के इक्वल. इसका मतलब डेल्टा जे आई के इक्वल. आई इक्वल टू जे होगा तो वैल्यू आपकी वन, आई इक्वल टू जे नहीं होगा इसका मतलब वैल्यू आपको कितनी लेनी है, जीरो. तो दैट इज, अगर सेम वैल्यू आए इसका मतलब वन के लिए ओपन करें तो डेल एक्स वन, तो जे की वैल्यू वन से लेके एन तक तो डेल एक्स वन, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी वन. अगर डेल एक्स वन अपॉन डेल एक्स टू होगा तो इसकी वैल्यू कितने लेनी है आपको, जीरो. ऐसे ही डेल एक्स वन अपॉन डेल्टा एक्स एन कर दें तो इसकी वैल्यू भी आपको क्या लेनी है, जीरो लेनी. अगर आई की जगह आप क्यू आर कितना ले लें, ये तो आई इक्वल टू वन के लिए, आई इक्वल टू टू और जे इक्वल टू वन टू डॉट 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 एन तक के लिए. तो वैल्यू किस टाइप से ओपन होगी, तो डेल एक्स आई इक्वल टू टू जे इक्वल टू वन से लेके एन तक, इसका मतलब डेल एक्स वन. और आपको पता है अलग अलग इंडेक्सेस का मतलब जीरो. सेकंड डेल एक्स टू अपॉन डेल एक्स टू और इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, वन, क्योंकि इंडेक्सेस कैसी है, सेम है. फिर डेल एक्स टू अपॉन में डेल एक्स एन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि टू और एन के आपस में इक्वल नहीं है. इसी टाइप से अगर आई इक्वल टू थ्री ले लें, जे इक्वल टू वन टू डॉट डॉट एन ले लें, तो डेल एक्स थ्री अपॉन डेल एक्स वन, इसकी वैल्यू जीरो क्योंकि आपस में इंडेक्स सेम नहीं है. डेल एक्स थ्री अपॉन डेल एक्स टू, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, जीरो, क्योंकि इंडेक्स आपस में सेम नहीं है. तो डेल एक्स थ्री अपॉन में डेल एक्स थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन. और आगे डेल एक्स थ्री अपॉन में डेल एक्स एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो, क्योंकि एन और थ्री आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है. तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू को आप ओपन कर सकते हो. इसी तरीके से अगर आप लास्ट में वैल्यू निकालेंगे तो डेल एक्स एन अपॉन डेल एक्स एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन. बाकी सारे कंपोनेंट्स कैसे आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे. इसके बाद में इसी में ये फर्स्ट नोट कर लेना, और एक सेकंड नोट और है इसमें, एक फॉर्मूला है कि अगर इंडेक्सेस दो सेम आती है तो किस टाइप से लिखना है उसको. नेक्स्ट है इसमें सेकेंड नोट कि डेल्टा जे आई, डेल्टा जे आई डेल्टा के जे इज इक्वल टू डेल्टा. अगर इस टाइप से वैल्यू आ जाती है डेल्टा जे आई और डेल्टा के जे, इसका मतलब कौन सी इंडेक्स आपको सेम दिख रही है, जे एक को वेरियंट और एक कॉन्ट्रा वेरियंट में, तो ये दोनों इंडेक्स हट जाएंगी, बची हुई इंडेक्स ऐसी की ऐसी आ जाएगी. तो आई किसमें आपका कॉन्ट्रा में, तो कॉन्ट्रा में आ जाएगा. के किसमें आपका को वेरियंट में, तो को वेरियंट में आ जाएगा. और आपकी जो जे इंडेक्स थी वो दोनों में सेम थी, इसका मतलब दोनों हट गई. तो डेल्टा के आई ये आपका एक क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है. अगर कहीं पे यूज करने के लिए आए तो आप इसको पुट ऑन कर सकते हो. इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है आपकी जर्नलाइज्ड क्रॉनिकल डेल्टा. जर्नलाइज्ड क्रॉनिकल डेल्टा क्या है, इसमें पहला है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा एल एन आई जे, दो इंडेक्स आपकी कॉन्ट्रा में, दो आपकी किसमें, कोवेरिएंट में. तो इसके लिए वैल्यू किस टाइप से डिफाइन होगी, वैल्यू वन होगी इफ इफ आई इक्वल्स टू एल ओ, जे इक्वल्स टू एन ओ एंड आई इज नॉट इक्वल्स टू जे. वैल्यू माइनस वन होगी इफ आई इक्वल्स टू एन ओ, जे इक्वल्स टू एल ओ एंड
आई इज नॉट इक्वल टू जे। थर्ड वैल्यू जीरो होगी इफ अदरवाइज, मतलब इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू आई तो उसके लिए वैल्यू आपको क्या लेनी है, जीरो लेनी है। तो इसमें अगर आपके पास में दो इंडेक्सेस कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट में गिवन है, तो ये वाली इंडेक्स तो किस में है, कोवेरिएंट में, और ये आपके किस में है, कॉन्ट्रावेरिएंट में। अगर इस टाइप से आपको कोई भी इंडेक्सेस गिवन हो तो उसमें अगर i इक्वल टू एल ओ, जे इक्वल टू एन ओ, तो वैल्यू आपको कितनी लेनी है, वन लेनी है। बट i इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, j होना चाहिए, यानी ये दोनों इंडेक्स जो है आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर i की वैल्यू n के इक्वल हो, j की वैल्यू l के इक्वल हो, साथ में i की वैल्यू j के इक्वल नहीं हो, तो उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, माइनस वन। इसके अलावा कोई भी अगर फॉर्म आ जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि डेल्टा एल एन वन टू वन टू, ये ले लिया। अब आपको इसमें इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या लग रही है कि आई की वैल्यू किसके इक्वल है, एल के, जे की वैल्यू किसके इक्वल है, एन के, साथ में आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये आई है, ये जे है, ये एल है, ये एन है। तो आई इक्वल टू एल दिख रहा है यानी वन वन है, j इक्वल टू एन दिख रहा है यानी टू टू है, और आई जे की वैल्यू आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब कौन सी वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, फर्स्ट वाली। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, वन आ जाएगी। तो डेल्टा वन टू वन टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वन आ जाएगी। इसी टाइप से अगर ये वैल्यू आ जाए डेल्टा टू वन और वन टू, यानी कि अब की बार ये आई, ये जे, ये एल, ये एन। अब i की वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है, n के, तो i इक्वल टू एन। j की वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है आपको, l के, और i और j आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, सेकंड वाली। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस वन हो जाएगी। तो इस टाइप से आप जनरलाइज्ड कॉनिकल डेल्टा को समझा सकते हो, और कहीं पर जरूरत पड़े तो उसकी वैल्यू उसको पुट कर सकते हो। इसी तरीके से अपना क्रॉनिकल डेल्टा था, ये अपना जनरलाइज्ड क्रॉनिकल डेल्टा था। फिर जनरल क्रॉनिकल डेल्टा के बाद में हमारा एक और है एग्जाम्पल, हमारा एक एग्जाम्पल नंबर वन, प्रूव दैट डेल्टा जे आई डेल्टा के जे इज इक्वल टू डेल्टा के आई। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन। यहां पर आपको कौन से रिपीट दिख रही है इंडेक्सेस, जे और जे। वैसे तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट हमने देख ली थी कि डेल्टा जे आई और डेल्टा के जे एक कोवेरिएंट और एक कॉन्ट्रावेरिएंट में होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, डेल्टा आई के। अगर आई कोवेरिएंट में या कॉन्ट्रा में, तो कॉन्ट्रावेरिएंट है या कोवेरिएंट में, और अगर कोवेरिएंट में तो कोवेरिएंट में आ जाएगी। तो इस टाइप से तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो डेल्टा आई जे डेल्टा के जे इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू को खोल लेते हैं, जे इक्वल टू वन टू लेके एन तक, तो ये वैल्यू आपकी क्या बनेगी, डेल्टा आई वन डेल्टा के वन, मतलब जे इक्वल टू वन पुट कर दिया। फिर टू पुट करेंगे तो डेल्टा आई टू और डेल्टा टू के, प्लस इसी टाइप से डेल्टा के टाइम खोल लेते हैं, तो डेल्टा के आई जे इक्वल टू के और डेल्टा के, ये वैल्यू आ गई। अब इंडेक्सेस अलग अलग हो तो इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, और लास्ट में डेल्टा के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। क्योंकि क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन से अगर इंडेक्सेस आपस में सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, वन आ जाती है। इसका मतलब लास्ट वैल्यू आपकी क्या रहेगी, डेल्टा के आई। तो डेल्टा जे आई डेल्टा के जे इज इक्वल टू आपको कितना आ गया, डेल्टा के आई। कैसे सॉल्व आउट किया, वैसे तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमने जे इक्वल टू वन से लेके के टाइम्स तक इसको ओपन कर दिया। साइड में आप लिख सकते हैं जे इक्वल टू वन टू लेके के टाइम तक इसको ओपन किया है। तो जे इक्वल टू वन पुट करेंगे तो डेल्टा आई वन और डेल्टा वन के।
डेल्टा फिर टू जे इक्वल टू टू पुट करेंगे और ऐसे के पुट करेंगे तो डेल्टा के आई और डेल्टा के ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है इंडेक्सेस अगर सेम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वन, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। कौन सी डेफिनेशन से? क्रॉनिकर डेल्टा की डेफिनेशन से। तो के और वन आपस में इक्वल है इसका मतलब जीरो, के और टू आपस में इक्वल है इसका मतलब जीरो, ऐसे आगे वाली वैल्यू जीरो और लास्ट वाली वैल्यू आपकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी डेल्टा के, इसका मतलब इंडेक्सेस आपस में सेम है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, तो डेल्टा के आई। अब लास्ट में डेल्टा जे आई डेल्टा के जे इज इक्वल टू अपनी क्या वैल्यू आ जाती है डेल्टा के आई। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व आउट कर सकते थे। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या उनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।